हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन आज के इस वीडियो में हम करें हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट थर्टी थ्री ईयर्स के ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को बट उससे पहले अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए प्योर एनसीईआरटी बेस्ड तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने अदर चैप्टर नहीं देखे इस प्लेलिस्ट के तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक हमारा एनिमल टिश्यू से रिलेटेड और यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर एनिमल टिश्यू वाले टॉपिक से जो है वो टोटल फोर्टी फाइव क्वेश्चन आ चुके हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूबोइडल एपिथिलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन जो क्यूबोइडल एपिथिलियम होता है जो कि विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई के साथ में कहां पर मिलेगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लाइड्स के अंदर प्रोगिमल कन्वोलेटी ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन के अंदर या फिर यूस्टेकियन ट्यूब के अंदर प्योर एनसीआरटी की लाइन है कॉपी पेस्ट तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है प्रोक्िमल कन्वोलेटी ट्यूब यानी पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर ओके नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन जो वो भी नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का ही है द गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मोडिफाइड फ्रॉम जो गोबलेट सेल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो किससे मोडिफाइड होते हैं स्केमस एपिथीलियम सेल से कोल्यूमिनर एपीथीलियल सेल से कॉन्ड्रोसाइड से या फिर कंपाउंड एपीथीलियल सेल से तो एन में लिख रखा है कोल्यूमिनर और क्यूबोडल सेल्स आर मोडिफाइड तो यहाँ पर जो आएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी कोल्यूमिनर एपीथीलियल सेल्स तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है नी 2019 से द सीलिएटिड एपीथीलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमन दी सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन जो सीलिएटेड एपीथीलियल सेल्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है किस लिए किसी पार्टिकल को या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए तो वो ह्यूमन्स में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकिल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में बाइल डक्ट्स एंड ब्रोंक्यूल्स में फेलोपियन ट्यूब एंड पैनक्रियाटिक डट में या फिर यूस्टेकियन ट्यूब एंड सेलेवरिक डक्ट के अंदर तो ये जो सीलिएटेड एपीथीलियल सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकिल्स एंड फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स करेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग सेल्स में करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया हुआ है टाइट जंक्शन के बारे में टाइट जंक्शन एडेरिंग जंक्शन गेप जंक्शन एंड सैनिप्टिकल वेसिकल्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट जंक्शन अब टाइट जंक्शन क्या करता है टाइट जंक्शन क्या करता है एस्टेब्लिश ए बेरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूड अक्रॉस द एपिथिल सेल्फ तो वो एक बैरियर की तरह काम करता है ताकि वहाँ से कोई भी लीकेज ना हो जाए फ्लूड की नेक्स्ट हम बात करते हैं एडेरिंग जंक्शन एडेरिंग जंक्शन क्या करता है सीमेंट द नेबरिंग सेल्स टूगैदर टू फॉर्म शीत तो ये जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको सीमेंटिंग का, का काम करता है और उनको पास पास रखने का, का काम करता है नेक्स्ट अगर हम बात करें गेप जंक्शन क्या काम करता है तो ये क्या काम करता है साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजस्ट सेल तो ये साइटोप्लाज्मिक चैनल्स बनाता है कम्युनिकेशन के लिए सैनेप्टिकल जंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसमिट इंफॉमेशन थ्रू दैट केमिकल्स टू अनदर सेल तो ये नर्व सेल्स के अंदर होता है जहाँ पे जो केमिकल के थ्रू अनदर सेल में ट्रांसमिट की जाती है इंफॉमेशन तो अब देख लेते हैं ए जो है वो हमारा थर्ड के पास जा रहा है ऐसा केवल ए ही ऑप्शन है बी जो है वो हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है सही है सी हमारा फोर्थ के साथ डी हमारा सेकेंड के साथ हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर फिथ्थ भेज लेते ले. हैं यहां पे हमसे पूछा गया है कि स्मूद मसल आर स्मूद मसल क्या होती है इनवेलेंट्री फ्यूजीफॉर्म और नॉन सिलेटेड या फिर वो वॉलेंट्री मल्टीन्यूक्ड सिलेंड्रिकल या फिर ऑप्शन सी दिया गया है

विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स फं लोकेशन यानी हमें बताना है कि जो टिशू है उसके सामने जो लोकेशन है वो बिल्कुल करेक्टली कौन सा दिया हुआ है फर्स्ट है ट्रांजिशनल एपीथीलियम बोला गया टिप ऑफ नोज में क्यूबोडल एपीथीलियम बोला गया लाइनिंग ऑफ स्टोमक में स्मूथ मसल्स बोला गया वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में और एलियोलर टिश्यू बोला गया टेंडन में टिप ऑफ ट्रांजिशनल एपीथीलियम जो नहीं होते हैं टिप ऑफ नोज में टिप ऑफ नोज में कौन से होते हैं आपके इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं तो ये तो हमारा गलत हो गया नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर स्टोमक के अंदर तो स्टोमक के अंदर जो होते हैं वो आपके सिंपल कॉल्यमिनर सेल्स होते हैं क्यों नहीं कोलमिनर सेल्स होते हैं स्मूथ मसल की बात करें तो ये वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर मिलती है ये बिल्कुल सही है तो आंसर आएगा ऑप्शन सी और टेंडेंस की बात करें तो ये एरियलर टिश्यू नहीं होते हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो सेवंथ यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गेप जंक्शन इज टू तो गेप जंक्शन का हमें फंक्शन बताना है सेपरेट टू सेल फ्रॉम ईच अदर स्टॉप सबस्टांस फ्राम लीकिंग एक्रोस ए टिश्यू परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप सेल नेबरिंग टूगेदर या फिर फैसीिलेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाई कनेक्टिंग द साइटो प्लाज्मा फॉर रेपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मोलिक्यूल एंड सम लार्ज मोलिक्यूल्स तो एक्चुअल में जो गेप जंक्शन का काम होता है वो कम्युनिकेशन करौन, करवाने का काम होता है यानी फैसीिलेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाई कनेक्टिंग द साइटो प्लाज्मा फॉर रेपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मोलिकूल एंड लार्ज मोलिकूल आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एट था यहां पे बोला गया है चूज द करेक्टली मैच पेयर हमें करेक्टली मैच पेयर बताना है सबसे बोला गया पहले टेंडन इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज टिश्यू में बोला गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर में बोला गया लूज कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज में बोला गया लूज कनेक्टिव टिश्यू टेंडन की बात करें तो ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कार्टिलेज होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो ये तो दोनों गलत हो गए नेक्स्ट अगर हम एडिपोज की बात करें तो एडिपोज जो आता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है नोटे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तो एरियोलर टिश्यू जो होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ये बिल्कुल करेक्ट है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देख लेते हैं नाइन्थ में भी हमें वापस करेक्टली मैच बताने यहाँ पे बोला गया कि इनर लाइनिंग ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड के अंदर सिलेटेड एपिथिलियम होते हैं बोला गया मोस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी के अंदर बोला गया ग्लैंडुलर एपिथीलियम होता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर बोला गया क्यूबोइडल सेल्स होते हैं और इनर सरफेस ऑफ ब्रोक्यूल्स के अंदर बोला गया स्कोमस एपिथिलियल सेल्स होते हैं तो हमें बिल्कुल करेक्ट बताना है जो करेक्ट है वो ट्यूबलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर क्यूबोइडल सेल्स होते हैं तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर टेंथ देख लेते हैं यहां पर ये जो डायग्राम दिया गया प्योर एनसीआरटी वाला डायग्राम दिया गया और हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द टिश्यू स्टो इन द डायग्राम एंड मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन तो यहाँ पर हमें ये बताने की ये टिश्यू कौन सा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और लोकेशन सब बताने फर्स्ट बोला गया कि ये स्मूद मसल्स है शो ब्रांचिंग शो कर रहा है और फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट कह रहे हैं कि हार्ट के अंदर मिलता है हार्ट के अंदर कार्डियक मिलती है स्मूद नहीं मिलती है ओके नेक्स्ट टाइम अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया कार्डियक मसल्स है अनब्रांच मसल है फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट कार्डियक मसल्स का डायग्राम अलग है ये नहीं है

तो यहां पे ये ए बी सी और डी दिया गया प्योर एनसीआरटी बेस्ड है यहां पे बोला गया पहले कि ए में मैक्रोफेज है फाइब्रोब्लास्ट है कोलेजन फाइबर है और फिर डी मास सेल है बी में बोला गया कि ए जो अब आपका मास सेल है बी माइक्रोफेज है सी फाइब्रोब्लास्ट है और डी जो कोलेजन है नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि ए जो आपका मैक्रोफेज है ये बी कोलेजन फाइबर है सी फाइब्रोब्लास्ट है और डी मास सेल है ऑप्शन डी में बोला गया कि ए आपका मास सेल है कोलेजन फाइबर है फाइब्रोब्लास्ट है मैक्रोफेज है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए की ए मैक्रोफेज है ये बिल्कुल सही है तो ये हमारे दो ऑप्शन जाते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें बी की तो बी की जो एक्चुअल में फाइब्रोब्लास्ट है बी जो है यहाँ पर ये यह दिखाई दे रहा है ये फाइब्रोब्लास्ट है तो फाइब्रोब्लास्ट एक ही जगह दिया हुआ है वो है ऑप्शन ए के अंदर सी जो है वो कॉलेजन फाइबर है ये बिल्कुल सही है और डी जो है आपका मास सेल है तो हमारे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए ए इज़ ए मेक्रोफेज बीज फाइब्रो ब्लास्ट इज कॉलेजन फाइबर डी एंड मास सेल नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो ट्वेल्व है यहाँ पे ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया था स्पोर्टिव स्केलेटन स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड द टिप ऑफ नोज टिप ऑफ नोज और एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या मिलता है लेगामेंट एरियोलर टिश्यू बोन या फिर कार्टिलेज तो यहाँ पे सिंपल है कार्टिलेज मिलता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी

एपिथीलियम है इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और सिक्रेशन का काम करता है बी यानी ये हमारे पास बोला गया कि ये जो बी वाला ये है ये ग्लैंडुलर है नेक्स्ट हम ऑप्शन में देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया जो सी है वो कोलेजन फाइबर है ये कार्टिलेज इसकी लोकेशन है और ये फंक्शन है अटेस कैलेटल मसल्स रू कार्टिलेज इसकी कोई लोकेशन नहीं है ये कोलेजन फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है तो ये हमारा गलत होता है नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है कि जो हमारा ओ, डी है वो स्मूद मसल्स टिश्यू है हार्ट के अंदर मिलता है हार्ट कॉन्ट्रेक्शन के अगर आप ध्यान से देखोगे ये बिल्कुल सही है कि हार्ट के अंदर जरूर मिलता है बट ये जो है वो स्मूद मसल नहीं है वो कार्डियक मसल्स है स्मूद मसल्स बिल्कुल भी नहीं है ये कार्डियक मसल्स है डी में बोला गया है कि ए जो वो कोल्यूमिनर एपीथीलियम है नेफ्रॉन के अंदर मिलती है सीक्रिशन एब्जॉर्प्शन है कोल्यूमिनर एपीथीलियम यहाँ पर ये जो वो कोल्यूमिनर एपीथीलियम नेफ्रोन के अंदर नहीं मिलती तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे भी क्या गया ग्लैंडुलर एपिथीलियम इंटरस्टाइन के अंदर मिलती है और सीक्रेशन का काम करती है ये जो डायग्राम दिया गया बिल्कुल सही है तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं फोर्टीन नंबर क्वेश्चन

ओके okay, जो प्यूपिल होता है जहाँ पे प्यूपिल डायलेट होता है वहां पे इन मसलस ही होती है ये बिल्कुल सही बोला गया हार्ट वॉल इनवॉलेंट्री होती है अनस्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेडनी स्ट्रेटिड होती है इनवॉलेंट्री जरूर होती है बट स्ट्रेटेड होती है तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि करेक्ट मैचिंग है एक्चुअल में करेक्ट दोनों ही सही है बी और सी दोनों बिल्कुल करेक्ट है ओके नेक्स्ट हमारे देख लेते हैं द एपीथिलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द ब्रोंकियल एंड फेलोपियन ट्यूब काफी बार आ चुका है कि एपीथिलियल सेल्स कौन सी से है जो ब्रोंकियल और फेलोपियन ट्यूब में ग्लैंडुलर सिलेटेड स्कोमस या फिर क्यूबॉयडल तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा सिलियेटेड होते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सिलेटेड कोलिमिनल सिल

नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर एटी है द सेल जंक्शन टाइट जंक्शन एडेरिंग एंड गप जंक्शन आर फाउंड ये ये जो तीनों होते हैं किस में मिलते हैं वैसे तो ये सभी सेल्स में मिल सकते हैं सभी टाइप के टिश्यू में बट मेनली पे एनसीआर टी बोलती है वो कनेक्टिव टिश्यू न्यूरल या फिर मस्कुलर तो वो एपीथिलिय टिश्यू के अंदर दिखा गया है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में पूछा गया द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन अवर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर इज ऑल्सो फाउंडेन यानी वो टिश्यू जो हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर मिलता है पिन्ना के अंदर मिलता है वो और कहां पर मिलेगा नेल्स में ईयर ओसिकल में टिप ऑफ द नोज में वहाँ तो पे हाईलेन काटेज मिलती है जो कि टिप ऑफ नोज के अंदर भी वही सेम मिलती है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंगविश ए नर्व फाइबर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल एक नर्व सेल जो वो अदर सेल से कैसे जो है वो आपका डिफरेंट हो सकता है वैक्यूल एंड फाइबर्स में फ्लेजिला एंड मेडुलर सीट में न्यूक्लियस एंड माइट्रोकॉन्ट्रिया में पेरीकेरियरियर एंड डेंट्राइट में तो डेंट्राइट एंड पेरीकेरियन जो होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे नर्व सेल्स के अंदर मिलेंगे अदर में नहीं मिलेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोला गया इन इच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम मेरो सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर आप किसी चीज की प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन सा ऐसी चीज है जिसके अंदर सेल जंक्शन मिलेंगे थ्रम्बोसाइड में टेंडोन में हाइलिन हाइलेन सिलेटेड एपीथिलियम तो सेल जंक्शन मिलती है एपीथीलियम में मिलते हैं है, तो के अंदर हमें सेल जंक्शन मिलेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी टू या क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोला गया एरियलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन जो एरियलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या क्या ज्वाइन करते हैं बोन विद बोन फैट बॉडी विद मसल इंटेगमेंट विद मसल्स या फिर बोन विद मसल्स तो एरियलर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो किसको ज्वाइन करते हैं

नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर में हमसे पूछा गया है द फोर हेल्दी पीपल इन द ट्वेंटीज गोट इवाल्ड इन द इंजरीज रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल्स यानी चार पीपल थे जो अपनी ट्वेंटीज में चल रहे थे उनको किसी ना किसी टिश्यू के अंदर डैमेज हो गई है वहाँ पे उस टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स डैमेज हो गए पीच ऑफ द फॉलोइंग आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स तो कौन सा सेल में ऐसे डैमेज हुई है जहां पे नए सेल्स अब नहीं बन सकते लीवर सेल्स में न्यूरॉन में, में मेलफीजियन लेयर ऑफ द स्किन में या फिर ऑस्टिड तो न्यूरॉन सेल के अंदर अगर डैमेज हो जाती है तो वो कभी भी वापिस डिवाइड नहीं करते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन जो मास सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के उनके पास क्या होता है रिलैक्सिन हीपेरिन कैल्सिटोनिन मेलानिन तो अभी बताया था मा, आपका मा सेल के अंदर हीपेरिन हिस्टाम रिलीज करते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेटीरियल किसके अंदर सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मेटीरियल देखने को मिलेगा स्टेटेड मसल में एरियोलर टिश्यू में स्टेटीफाइड एपिथिलियम या फिर माइलीटेड नर्व फाइबर के अंदर तो सबसे ज्यादा जो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लू देखने को मेटीरियल मिलेगा वो एरियोलर टिश्यू के अंदर मिलेगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि कोलेजन क्या है कोलेजन एक फाइबरस प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन है लिपिड है या फिर कार्बोहाइड्रेट है तो कोलेजन जो है वो चैप्टर के अंदर दिया एक फाइब्रस प्रोटीन है कोलेजन फाइबर हम पढ़ते हैं ना फाइबर तो ये कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया ड्यूरिंग एन इंजरी नेसल सेप्टम गेट डैमेज एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रेफर्ड अगर नेजल सेप्टम अगर डैमेज हो गया तो कौन सी कार्टिलेज प्रेफर की जाएगी इलास्टिक कार्टिलेज हाइलीन कार्टिलेज कैल्सिफाइड या फिर फाइब्रस तो वहां पर हमारे पास कौन सी कार्टिलेज होती है हाइलिन कार्टिलेज होती है तो इसी

कार्टिलेज के अंदर एक प्रोटियोग्रेन जो होता है वो किसका पार्ट है कॉन्ड्रियोटाइन का ओसिन का कैसिन का या फिर कार्टिलेजिन का तो कार्टिलेज के अंदर जो मेनली होते हैं वो सेल्स कौन होते हैं कॉन्ड्रोसिन तो कॉन्ड्रोटाइन जो होता है वो आपका एक प्रोटियोगलाइकेन होता है ओके okay? पोलिसक्राइड होता है जो कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होता है इसके अलावा ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेटीरियल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है आपका कॉन्ड्रियोटाइन ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्टी वन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में बोला गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल एपीथिलियम इज दैट दे हमें सिंपल एपीथीलियम के करेक्ट्रिस्टिक्स बताना है आई अरेंज इन डिस्क्रिमिनेटली मेक ए डेफिनेट लेयर कंटिन्यू टू डिवाइड एंड हेल्प इन ऑर्गन फंक्शन या फिर नन ऑफ द अबाउ तो मेन हमें बताना है कि इनका फंक्शन क्या होता है तो एपीथीलियम सेल्स होते हैं वो डिफेंटिव डेफिनेट लेयर बनाते हैं नेक्स्ट हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टी टू लीगामेंट इज एन लीगामेंट क्या है इन इलास्टिक वाइट फाइबरस टिश्यू है मॉडिफाइड वाइट फाइबरस टिश्यू है या फिर मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइबरस टिश्यू है या फिर नन ऑफ द अबाव है

चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्टी फोर देख लेते हैं थर्टी फोर में बोला गया

क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है स्ट्रेंटम जर्मिनेटिवम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथिलियम जो स्ट्रेंटम जर्मिनेटिव होता है वो किसका एक एग्जाम्पल है इसको हम जो वो बेसल सेल लेयर भी बोलते हैं स्टेटम जर्मिनेटिव को बोलते हैं बेसल सेल लेयर और ये जो वो एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसकी बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होती है और ये बहुत ही एक्टिवली डिवाइड भी करते हैं तो यहां पर ये किसके अंदर मिलेंगे पूछा गया कोल्यूमिनर में स्क्मस में क्यूबोडल में और सिलियटेड में तो आप सिंपल याद रखना ये मिलते हैं हमें एपिथीलियम के अंदर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर में है एन एपिथीलियल टिश्यू विच हैज थिन फ्लैट सेल्स अरेंज एज टू एज एज टू अपियर लाइक क्लोजली पैक्ड टाइटल्स इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इट तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे मेरे लिए बात करें स्कैमेथिल कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं आउटर सरफेस ऑफ एवरी इनर लाइनिंग ऑफ एरोपियन ट्यूब इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक या फिर इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स तो यह मैं मिलेंगे इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स के अंदर तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है हेयर प्रेजेंट इन द स्किन जो स्किन के अंदर जो हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ओके वो कैसे होते हैं एपिडर्मल इन ओरिजन और मेड अप ऑफ डेड सेल एपिडर्मल इन ओरिजन एंड मेड अप ऑफ लिविंग सेल डर्मल इन ओरिजन एंड मेड अप ऑफ लिविंग सेल या फिर इन ओरिजन एंड मेड अप ऑफ डेड सेल जो बिल्कुल आउटर मोस्ट आपकी स्किन की लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है और उसके नीचे जो होती है उसको ड्रमिस बोला जाता है अगर कोई टेटू बनवाता है अगर वो परमानेंट टेटू बनवा रहा है तो वो डर्मल जो लेयर होती है उसके अंदर टैटू चला जाता है इसलिए वो परमानेंट रहता है बट अगर वो सिंपल टैटू बनवाता है जो कभी भी रिमूव हो सकता है दो तीन महीने के बाद तो वो एपिडर्मल ऐसे ही आपके जो हेयर्स होते हैं जिसे हम रिमूव कर सकते हैं तो वो एपिडर्मल होते हैं ओरिजन के अंदर सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना कि ये किस में होते हैं एपिडर्म में होते हैं और किससे बनते हैं डेड सेल से मिलकर बनते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 40 है द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ स्किन इज टर्मडेस एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं स्ट्रैम्पटम कॉम्पैक्टम स्ट्रैंटम कॉर्निकम या फिर सॉरी कॉर्नियम या फिर स्टेंटम मेल्फीजी स्टेंटम जर्मिनेटिवम या फिर स्टेटम ल्यूसीडम तो यहाँ पर जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टेटम मेल्फीजी या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ओके तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन्स इन्वॉल्व कार्टिलेजिनस बोन्स को बनाने के लिए क्या इन्वॉल्व होगा डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट एंड रीअबॉर्प्शन बाय कॉन्ड्रोक्लास्ट डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट ओनली डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट ओनली तो फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ब्लास्ट अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो क्लास्ट यूज होता है ये याद रखना तो हम डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट करेंगे और फिर री ऑफ रिजॉर्पसन

इनवॉलेंट्री होती है मल्टी नहीं होती है इनवॉलेंट्री होती है मल्टी न्यूक्टिड नहीं होती है इन दो में बस यही चेंज है स्पिंडल शेप है अनब्रास्ट भी है नॉन सिएटेड या अनस्टेड बोल दो बट ये न्यूनी न्यूक्टेड होती है तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है हेवरसन जो अक्करवरसन कैनाल होती है वो किसके अंदर मिलती है काफ़ी पुराना क्वेश्चन है आपके बर्थ से भी बहुत दस बारह साल पहले का क्वेश्चन है ये किस में मिलती है ह्यूमरस के अंदर प्यूबिस के अंदर स्केपुला के अंदर या फिर क्लेविकल के अंदर तो ये जो ज्यादातर लॉन्ग बोन्स के अंदर मिलती है जैसे ह्यूमरस के अंदर तुम्हारा आंसर

जो रेड पिगमेंट मिलता है वर्टिब्रेट ब्लड के अंदर वो कौन सा होता है मैग्नीशियम आयरन कैल्शियम को तो पो होता है हीमोग्लोबिन आपका हीम यानी आयरन तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अब अर्थवोम के क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि अर्थवोम जो है वो हमारे टॉपिक में ही नहीं है अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो नेक्स्ट हम जो वो कॉकरोच जरूर करेंगे क्योंकि कॉकरोच से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता भी है और हमारे सिलेबस के अंदर भी है ओके तो ये हमारा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करिए इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज अगर हम कॉकरोच का हेड भी रिमूव कर सकते हैं फिर भी ये कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है ऐसा क्यों है 2020 का क्वेश्चन पूछा गया प्योर एनसीआरटी बेस्ड है द सुप्र ईसोफेजियल गेंगली ऑफ द कॉक्रोच आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द एपटोम द काक्रोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम या फिर काक्रोच के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है या फिर बोला गया था हेड होल्ड ए स्मॉल परपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड एलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी डी में बोला गया था हेड ऑल्सो ओनली वन थर्ड ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड एलोंग द डोरसल पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी हेड के अंदर होता है स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम बाकी जो रेस्ट का जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है नोटेड डोरसल बट ये भी सेम है बट यहाँ पे एक डोरसल और वेंट्रल इंपॉर्टेंट है तो बाकी जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है वेंट्रल होता है तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कि हेड के पास में बहुत स्मॉल पोर्सन नर्वस सिस्टम होता है बाकी जो होता है वो वेंट्रल पोजिशन पर होता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है नीट टू का क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉक्रोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ माउथ से लेते हुए हम बिल्कुल करेक्ट बताने यहां पे बोला गया पहले फेरिंग्स ईसोफेगस इलियम क्रॉप गिजार्ड कोलोन और रेक्टम आएगा बी में बोला गया पहले फेरिंग्स फिर इसोफेगस फिर क्रॉप गिजार्ड इलियम कोलोन और रेक्टम आएगा सी में बोला गया कि पहले फेरिंग्स फिर ईसोफेगस गिजार्ड क्रॉप इलियम कोलोन और रेक्टम आएगा और डी में बोला गया फेरिंग्स ईसोफेगस इलियम क्रॉप क्रॉपन और रेक्टम सबसे पहले फेरिंग्स आएगा ये बिल्कुल सब में सेम है फिर ईसोफेगस आएगा ये भी सब में बिल्कुल सेम है देन एलियम आएगा ये बिल्कुल गलत है एलियम कहीं से कहीं तक नहीं आएगा तो ये दोनों में गलत हो जाता है अगर हम बात करें उसके बाद में तो यहां पर जो आएगा मेन आएगा वो क्रोप आएगा गिजार्ड भी नहीं आएगा तो उसके बाद क्रोप आएगा देन गिजार्ड आएगा देन ईलियम कोलोनल डायरेक्टम आएगा तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे वो बनता है ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम ए फीमेल कॉकरोच मेल और फीमेल कॉकरोच के अंदर हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ए बोट ऑन द नाइन्थ एबडोमल सेगमेंट प्रेजेंस ऑफ काउडल स्टाइल फोर विंग्स विद डार्का टेमिना और प्रेजेंस ऑफ एनल सरसी जो काउडल स्टाइल होता है एनसीआरटी में डायग्राम में काउडल स्टाइल लिखा हुआ है उसको हम एनल स्टाइल भी बोलते हैं और ये केवल और केवल मेल में प्रेजेंट होता है फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ काउडल स्टाइल जो कि केवल मेल में होता है फीमेल में नहीं होता है ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो सिक्सटी थ्री है इन मेल आज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल के अंदर, जो वो किस पार्ट के अंदर जो होते हैं ऑप्शन में, में तो होते होते है, तो ए नेक्स्ट में पूछा गया विच ऑफ फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरी प्लांट अमेरिकाना कौन सा ऐसा फीचर है जो पेरी प्लांटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच के अंदर नहीं मिलता एक्सोस्कोटन कम्पोज ऑफ एन एसिटाइलो ग

वो इनकरेक्ट लिखा है तो हमसे नोट प्रेजेंट पूछा है तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो सिक्सटी फाइव या क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव में बोला गया द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज दे नाइट्रोजन वेस्ट इन द हीमोलिफ मेनली इन द फॉर्म ऑफ तो जो आपका कॉकरोच होता है वो हीमोलिफ के अंदर अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो किस फॉर्म के अंदर रिलीज करता है यूरिया की फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में अमोनिया में या फिर पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में तो वो पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में रिलीज करता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स में पूछा गया दर्गास टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी ज्वाइन बाय जो टर्गा और प्लूरा होती है कॉकरोच के अंदर लेयर वो किससे ज्वाइन करती है एथ्रोडियल एल्थ्रोडियल से काटिले से सीमेंटिंग ग्लू से या फिर मस्कुलर टिश्यू से तो एथ्रोडियल मेंबरेन से ज्वाइन करती है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन में पूछा गया व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ ए कॉकरोच नींब जो कॉकरोच नींब का जो है बिल्कुल लास्ट मोल्टिंग के होने के बाद में क्या चेंज हमें एक्सटर्नल चेंज दिखाई देता है बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप लेबियम डेवलप बिकम हार्डर या फिर एनल डेवलप तो एक्चुअल में जो आपके विंग्स होते हैं वो बिल्कुल लास्ट मोल्डिंग के बाद में डेवलप होते हैं तो बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स जो वो दोनों तब जाके डेवलप होते हैं ओके okay, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट में बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कॉकरोच के लिए मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट नाइट्रोजन वेस्ट इनटू द यूरिया मेल्स बियर शॉर्ट स्टाइल नोट प्रेजेंट इन द फीमेल्स नर्वस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ऑफ ए डोरसल नर्व कोड एंड टेन पेयर ऑफ गेंगलिया द फोर विंग्स आर टेगमिना विच आर यूज इन द फ्लाइट तो फोर विंग्स फ्लाइट में नहीं होती है हैंड विंग्स यूज होती है नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है डोरसल नहीं होता मेल के पास में शॉर्ट एनल स्टाइल होती है जो कि फीमेल के पास में प्रेजेंट नहीं होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन देख लेते हैं यहां पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पाथ फॉलोड बाई एयर इन ओ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द एडल्ट मेल पेरी प्लांट अमेरिका एज इट एंटर द एनिमल टिश्यू तो हमें करेक्ट बताना है पाथवे क्या होगा पहला बोला गया स्पाइरेकल इन मेटाथोरेक्स तो मेटाथोरेक्स के अंदर स्पाइरेकल वहाँ जाएगा फिर ट्रेकिया में फिर ट्रेक्यूल्स में फिर ऑक्सीजन डिफ्यूज जा हो जा 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 जाएगी सेल में सेकंड में बोला गई कि पहले माउथ में फिर ब्रोनक्यूल ट्यूब में फिर ट्रेकिया में फिर ऑक्सीजन एंट्रो गई सेल में सी में बोला गया स्पाइरेकल इन प्रोथोरेक्स के अंदर फिर ट्रेक्यूल्स में फिर ट्रेकिया में फिर आपका ऑक्सीजन डिफ्यूजन इंट्रो द सेल और फिर बोला गया हाइपोफेरिंग्स माउथ फेरिंग्स और ट्रेकिया ट्रेकियां सबसे पहले स्पायरिकल इन मेटाथोरिक स्पायरिकल के अंदर जाती है फिर ट्रेकिया के अंदर जाती है ट्रेक्यूल्स के अंदर नहीं जाती है और माउथ के अंदर भी नहीं जाती है हाइपोफेरिंग्स पर और माउथ के अंदर भी, भी नहीं जाती है पहले स्पायरिकल के अंदर जाती है फिर ट्रेकिया के फिर ट्रोक्यूल्स और फिर डिफ्यूज हो जाती है तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है सेवेंटी में बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू पेरी प्लांट अमेरिका फर्स्ट बोला गया नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली बाय ए पेयर ऑफ गएल कनेक्टिव वापिस ही बोला गया कि पे डोर्सली जो वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि गलत है मेल बीर पेट ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल मेल के पास में एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है देर आर सिक्सटी वेरी लॉन्ग मेलफीजियन फीजियन प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ मिड गड एंडगड मेल फीजियन टूबल केवल टू हंड्रेड हो सकते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरीड आउट ओनली द माउथ पार्ट जी नहीं अब वो आगे भी हो सकता है तो आंसर आएगा यहाँ पे जो करेक्ट पूछा गया वो आएगा हमारा ऑप्शन बी तो हमारा आ गया ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है। ऑफ द फॉलोइंग हैपन इन द कॉमन कॉकरोच के अंदर होती है मेलफीजियन ट्रेटी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम कोलोन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड नाइट्रोजन इज यूरिया द फूड इज ग्राउंड एंड गिजार्ड ट्यूबल्स एक्सरेटिगन प्रोजेक्टिंग आउट फ्राम द कोलोन से ये नहीं निकलती है ये मिड गट और आपके हेंड हाँ गट के बीच में जो होता है वहाँ से मेलफिजी ट्यूबल निकलते हैं हिमोग्लोबिन है भी नहीं, भी नहीं होता है नाइट्रोजन एक्सरेटी यूरिया भी नहीं होता है द फूड इज ग्राउंडेड बाय मैंडीबल और गिजाड ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो हमारा जो आंसर है सेवेंटी वन का हुआ आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर जो है सेवेंटी टू असेसन रीजन टाइप में पूछा गया नाइनटीन नाइन टू है पेरी प्लांट अमेरिका ने इज नोट्रनल ओमनीवरस और हाउस होल्ड बेस्ट है आर्मे रीजन में दिए गए इट इज बिकॉड इट एज ए स्क्वेंजर अब यहाँ पे बोला गया कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स ये बोला है कि ए जो है वो सही है और बी फॉल्स है ऑप्शन बी दिया गया ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू ये बोल रहा है ए जो वो गलत है बट आर जो ट्रू है सी में बहुत बोल रहा कि कि है कि बोथ ए एंड आर जो ट्रू है बट आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बट ये बोल रहा है दोनों सही है बट आर जो बता रहा है वो ए का बिल्कुल सही आंसर बता रहा है डी में बोला गया बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अब समझिए पेरी प्लांटा का अमेरिका ने इस होता है ओमनीस होता है हाउस ऑफ पेयर्स होता है ये बिल्कुल सही है इट इज बिकॉज इज एक्ट एड स्क्वेंजर ये स्क्वेंजर की तरह एक्ट करता है ये भी बिल्कुल सही है बट स्क्जर की तरह एक्ट करता है उसकी वजह से ये नॉक्टर्नल विजन इसका हो जाएगा या फिर ओमनिवर्स हो जाएगा ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई रीजन नहीं बनता है तो हमारा ये तो सही है कि दोनों बिल्कुल सही है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का ये रीज़न सही नहीं है तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी ओके सॉरी यहां पे ऑप्शन डी आएगा क्योंकि यहाँ पे नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो यहाँ पे यहाँ पे नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सॉरी यहाँ पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नोट करेक्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी